आज यानी 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। पिछले 2 वर्षों से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है। वहीं दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा, जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तब कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। आपको बता दें कि इस साल योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित करती है। कोरोना संक्रमण के चलते योग दिवस पर इस बार ज्यादातर कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योग दिवस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर बहस छेड़ दी है। मनु सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी, जिसके बाद इस मुद्दे पर एक नई बहस शुरू हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है, ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है। लेकिन हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग सभी को करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखाई देगा। गौरतलब है कि योग दिवस पर देश की तमाम हस्तियों से लेकर राजनेताओं ने बधाई संदेश दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग भारतीय मनीषा द्वारा विश्व को प्रदान किया गया वह अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। इसके अलावा देश के राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सभी लोगों ने देशवासियों को योग दिवस पर बधाई दी है।